अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है, इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है, जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाए कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते, अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग के निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो, उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो, हमें कहते हो, क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है, डिक्टेटरशिप। देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है, राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं,
छोटे व्यापारी हैं उनसे चोरी हो रही है, किसान है उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।